भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सिंधी कहता मर रहे हैं, मर रहे हैं। हम सिंधी कहता मर रहे हैं। सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्रियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्रियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान रहेगा, किसान एकता करता है, गोली से नहीं लड़ता है। किसान एकता करता है, गोली से नहीं लड़ता है। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जो घटना घटी है, पूरा प्रदेश का बच्चा बच्चा जान गया है कि मंत्रियों के लड़के किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। किसान वहाँ अपना विरोध प्रदर्शन, जो हमारे भारत का संविधान सम्मत प्रजातंत्र के हिसाब से जो तरीका है, उस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वापस जाने के बाद वहाँ कुछ बातचीत हुई, मंत्री जी का लड़का, उसने किसानों पर सीधे गाड़ी चढ़ा दी। इस तरीके की तानाशाही, 8 किसान मर चुके हैं, तमाम लोग घायल हैं। बड़ा उपद्रव होता, हमारे बड़े नेता वहाँ आ गए हैं, स्थिति को कंट्रोल में रखे हैं। हमारे जिले से हजारों लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, शाहजहाँपुर क्षेत्र में वहाँ जाम लगा, वहाँ जा चुके हैं। हम घर में, पुलिस ने थोड़ा घेराबंदी हल्की बनाई थी तो लेट आए हैं। हमारे लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उन गुंडों को, उन अराजक तत्वों को उनके किए की सही सजा नहीं मिल जाती है, तब तक हमारा धरना संघर्ष लगातार जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। सरकार ने मृतकों को 45 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। सरकार से हम एक बात कहें कि सरकार अपना एक मंत्री या मंत्री का लड़का हमको दे दे, उसका सरकलम कर दे अपने हाथ से, हम तो नहीं कर पाएंगे। हम किसान हैं, हम 90 लाख देंगे क्या, मान जाएंगे? हमारी जान की कीमत सरकार पैसों से तौलेगी, किसान को पैसों में खरीदेगी? नेता बिकते हैं वहाँ मंडी में जब सरकार बनाई जाती है। किसान कभी बिका नहीं, आज तक न कभी बिकेगा। ये देश किसानों का, किसान बेचता है, किसान कभी बिकता नहीं। क्या नाम है? सरकार अपना ये भ्रम निकाल दे। क्या नाम है? राज बहादुर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरदोई।